अगर सरकार को ये लगे कि कोई टोटी मैं लेके चला गया हूँ, सरकार हमारा गिनती में बता दे, मैं पूरी की पूरी टोटी देने के लिए तैयार हूँ। भगवान बसवेश्वर ने लोकतंत्र के कितने उत्तम विचार रखे थे। देश की सियासत तेजी से करवट बदल रही है। यूपी में सरकारी बंगले में उलझी सपा को अकेला छोड़कर कांग्रेस बसपा गठबंधन चुनावी मैदान में उतरेगा। इस गठबंधन में खास बात यह है कि मिशन 2019 के लिए चुनावी अखाड़े के रूप में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में होगी, जबकि बसपा को सहयोगी का किरदार निभाना होगा। गठबंधन का औपचारिक ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और बसपा कमांडर मायावती की बैठक के बाद होगा। बसपा के पैंतरे से नाराज अखिलेश यादव ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने प्रदेश के पदाधिकारियों से सभी सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश करने को कहा है। यह चुनावी गठबंधन फिलहाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में है। नतीजे अनुकूल हुए तो यूपी की सियासत में कांग्रेस की ज्यादा दमखम के साथ महागठबंधन में एंट्री होगी। बसपा के एक नेता का मानना है कि मिशन 2019 में भाजपा के पराजित होने की स्थिति में भी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलेगा, ऐसे में गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री पद के दावेदार तमाम होंगे, उदाहरण के तौर पर ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, शरद पवार, नवीन पटनायक, अखिलेश यादव और मायावती। कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करने से बसपा का पलड़ा भारी रहेगा। भविष्य की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी मायावती के नाम पर समर्थन देने को तुरंत तैयार हो जाएगी। ऐसा संयोग बनता है तो मायावती का प्रधानमंत्री बनना तय है। चूंकि केंद्र की सत्ता नहीं मिलने की स्थिति में कांग्रेस परोक्ष रूप से शासन करना चाहेगी, इसलिए उसे मायावती से अच्छा साथी मिल ही नहीं सकता। इसके अतिरिक्त बसपा के साथ गठजोड़ के जरिए कांग्रेस यूपी में अपनी जमीन को मजबूत करने में भी कामयाब होगी। इस लिहाज से देखा जाए तो 2019 में मायावती का प्रधानमंत्री बनना तय है। देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए खबर इंडिया 7 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर सबसे पहले और फ्री में खबर देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।